नमस्कार, मैं दिव्या धराधर। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल रक्सौल से काठमांडू रेलवे लाइन का सर्वे का काम पूरा हो चुका है। जल्दी पूर्वी चंपारण के रक्सौल से नेपाल के काठमांडू के बीच ट्रेनें दौड़ेंगी। नई रेल लाइन बिछाने के लिए सर्वे के बाद डीपीआर बनाने का काम भी शुरू हो गया है, जिसका फायदा रक्सौल समेत पूरे नेपाल और सीमांचल के लोगों को होगा। कांग्रेस नेता एवं लोकसभा सांसद शशि थरूर ने सोमवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर को थोड़ा कूल रहने की सलाह दी है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि पश्चिमी देशों की हर बात पर हम प्रतिक्रिया, देश का संवेदनशील होने की जरूरत नहीं है। दरअसल कर्नाटक में कार्यक्रम के दौरान जयशंकर ने कहा है कि दूसरे देशों के आंतरिक हालात पर बयानबाजी करने की पश्चिमी देशों की खराब आदत है। विदेश मंत्री के इस बयान पर थरूर ने संसद परिसर में प्रतिक्रिया दी है। असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा है कि नीतीश सरकार दंगा रोकने में नाकाम है। वहां पर अल्पसंख्यकों की दुकान को निशाना बनाया गया, लेकिन नीतीश कुमार को दंगों का अफसोस नहीं है। वे इफ्तार पार्टी करने में मस्त है। देश के जिन जिन राज्यों में दंगा हो रहा है, वहां की सरकारें इसके लिए जिम्मेदार है। वह हिंसा को रोकने में नाकाम रही। दिल्ली मेट्रो ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के मैचों को देखते हुए क्रिकेट प्रेमियों को तोहफा दिया है। दिल्ली में अरुण जेटली स्टेडियम में आईपीएल के मैच के दिनों में एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन को छोड़कर दिल्ली मेट्रो की सभी लाइन पर आखिरी ट्रेन का समय करीब 30 से 45 मिनट तक बढ़ा दिया जाएगा। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन से सटा हुआ है। बिहार की राजधानी की तस्वीर बदलने और यातायात को सुगम बनाने के लिए पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के तहत मेट्रो का काम तेजी से चल रहा है। इसी कड़ी में पटना जंक्शन के पास 3 फ्लोर का अंडरग्राउंड हाईटेक मेट्रो स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। पहले फ्लोर पर टिकट काउंटर, वेटिंग हॉल और खाने पीने की दुकान और स्टॉल होंगे। वहीं दूसरे और तीसरे फ्लोर पर ट्रेन चलेंगी। बता दें कि यह इंटरचेंज स्टेशन है। यहां से कॉरिडोर 1 और 2 के लिए ट्रेन बदलने की सुविधा रहेगी। चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों का नाम बदलने पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह पहली बार नहीं है जब उसने ऐसा किया है। भारत इसे सिरे से खारिज करता है। मंत्रालय ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है। नाम बदलने से इस वास्तविकता को बदला नहीं जा सकेगा। जदयू एमएलसी की इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार के लिए लाल किले जैसा मंच बनवाए जाने और खुद मुख्यमंत्री के दावते इफ्तार में शामिल होने को लेकर बिहार में सियासत शुरू हो गई है। इसको लेकर जमुई सांसद और लोजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा है। चिराग ने कहा है कि नीतीश लाख सपना देख ले, लेकिन उनका यह सपना पूरा नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा है कि नीतीश खुद अपना मजाक उड़वा रहे, देश की जनता के बीच कौन सा मॉडल लेकर जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आपस में जुड़ी हुई दुनिया में आपदाओं का प्रभाव केवल स्थानीय नहीं होगा, बल्कि एक क्षेत्र में आई आपदा का प्रभाव पूरी तरह से दूसरे क्षेत्र पर भी पड़ेगा। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया एकीकृत होनी चाहिए, अलग थलग नहीं। दरअसल पीएम मोदी आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना 2023 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर रहे थे। पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने अपने पुराने मित्र नीतीश कुमार को बड़ी सलाह दी। सुशील मोदी ने कहा है कि नीतीश कुमार लाल किला का बैनर लगाकर उसके सामने क्यों खड़े हो रहे हैं। उन्हें अमेरिका के व्हाइट हाउस का बैनर लगाकर उसके सामने खड़ा होना चाहिए। उनके समर्थकों को यकीन हो जाएगा कि नीतीश कुमार अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश को अगर सपना देखकर ही संतोष करना है तो बड़ा सपना देखें। केंद्र सरकार की योजना है कि कुकिंग गैस सिलेंडर को आने वाले समय में रिप्लेस करके क्षेत्रवार पाइप नेचुरल गैस यानी पीएनजी से बदल दिया जाए। ये एक ऐसा कदम होगा जो सरकार को कई मायनों में फायदा पहुंचा सकता है। सरकार ने पीएनजी इंडस्ट्री के दिग्गजों से कहा है कि वो ऐसे स्थानों की पहचान करे जाए, एलपीजी के आखिरी तौर पर यूज करने की कोई तारीख तय की जाए। इसके जरिए कई इलाकों में पीएनजी नेटवर्क के जरिए पर्याप्त गैस सप्लाई पहुंचाई जा सके, इसका एक खाका तैयार करने के लिए कहा गया है। आरएसएस के एक वरिष्ठ नेता ने गे सेक्स को राक्षसों के बीच प्रथा बताया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कुछ वक्त पहले समलैंगिकता को भारतीय संस्कृति का हिस्सा बताया था, साथ ही शास्त्रों का भी हवाला दिया था। वही अब आरएसएस ने श्रमिक शाखा भारतीय मजदूर संघ के पूर्व अध्यक्ष सी के सादी नारायणन ने इसे राक्षसों के बीच प्रथा बताया और शास्त्रों का भी हवाला दिया है। वित्त वर्ष 2023-24 की पहली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक शुरू हो चुकी है। पॉलिसी रेट का ऐलान 6 अप्रैल को होगा। उम्मीद की जा रही है कि आरबीआई इस बार पॉलिसी रेट में 25 बेसिस पॉइंट का इजाफा करेगा। इसका मतलब है कि ब्याज दरों में फिर से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वारिस पंजाब जे का प्रमुख अमृतपाल सिंह लगभग 17 दिनों से फरार है। पंजाब पुलिस अमृतपाल की तलाश में पंजाब से लेकर आसपास के राज्यों में भी सर्च ऑपरेशन चला रही है। विदेशों में एक बैठे खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल पर कार्रवाई को लेकर जहां बार बार विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, वही अब वो बौखलाकर विदेशों में हो रहे भारतीय पर भी अपना निशाना बना रहे हैं। उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। इसको लेकर अब भारतीय दूतावास के उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी का पता चला है। विभाग करीब 89 ट्रांजैक्शन की पड़ताल कर रहा है, जिसमें प्रत्येक लेनदेन में 100 करोड़ से ज्यादा के हेर फेर किए गए। खास बात यह है कि सभी लेनदेन विदेश से किए गए हैं। विभाग को यह लेनदेन साल 2019-20 और 2020-21 के दौरान होने का शक है, और इस मामले में विभाग ने जांच की प्रक्रिया भी शुरू कर दी। ऐसे में 89 ट्रांजैक्शन से जुड़े हर विभाग के निशाने पर है। सड़कों से अब इलेक्ट्रिक स्कूटर गायब हो जाएंगे, क्योंकि सरकार ने इस पर बैन लगा दिया। सरकार ने ये स्कूटर पर बैन लगाने के लिए कारण भी बताया। हालांकि सरकार ने स्कूटर पर बैन लगाने के निर्णय से पहले जनता से जनमत संग्रह करवाया था। इस वोटिंग में जनता में से 80% ने बैन लगाने का समर्थन किया है। हालांकि आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक पर यह बैन फ्रांस की राजधानी पेरिस में भी लगाया गया है। दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मैच के दौरान दिल्ली की टीम के नियमित कप्तान ऋषभ पंत स्टेडियम में होंगे। वह इस मैच में अपनी टीम को सपोर्ट करने पहुंचेंगे। DDCA के संयुक्त सचिव राजन मनचंदा ने यह जानकारी दी। ऋषभ पंत कार हादसे का शिकार होने के बाद पहली बार लोगों के बीच होंगे। गुलाम नबी आजाद ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। आजाद ने कहा है कि मैंने उनके साथ जो भी किया उसके लिए मुझे मोदी को श्रेय देना चाहिए। वह बहुत उदार थे। विपक्ष के नेता के रूप में मैंने उन्हें किसी भी मुद्दे पर नहीं बख्शा, चाहे वो धारा 370 हो या फिर CA या फिर हिजाब का मुद्दा। मेरे कुछ बिल पूरी तरह से फेल हो गए, लेकिन मुझे उन्हें इसका श्रेय देना चाहिए कि उन्होंने एक राजनेता की तरह व्यवहार किया, इसका बदला नहीं लिया। कांग्रेस के G23 ग्रुप के नेताओं के बीजेपी करीबी होने का आरोप पर गुलाम नबी आजाद ने यह कहा है कि यह बकवास है। हुंडई मोटर्स छोटी और मिड साइज कारों के एक्सपोर्ट के लिए अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव किया, क्योंकि भारत के बाहर भी कंपनी की कारों की बहुत अधिक डिमांड है। इसके लिए कंपनी क्रेटा और अलेक्जर के बाद नई वर्ना का भी एक्सपोर्ट शुरू करने वाली है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा सावरकर पर टिप्पणी करने के बाद महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे गुट और बीजेपी ने सावरकर गौरव यात्रा का आयोजन किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती पवार ने चेतावनी दी है कि नासिक वीर सावरकर की जन्मभूमि है और नासिक जिला उनके अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगा। नासिक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भारती पवार और विधायक राहुल ढिकले के नेतृत्व में ढोल नगाड़ों की आवाज के बीच सावरकर गौरव यात्रा निकाली गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हावड़ा और हुगली में हिंसा को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। मंगलवार को पूर्वी मेदिनीपुर के दिघा में पार्टी कार्यकर्ताओं की सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि बंगाल के लोग कभी दंगा नहीं करते, दंगा करने के लिए बाहर से लोगों को ला रहे हैं, क्रिमिनल से लेकर हिंसा करवा रहे, टीवी पर देखे हैं, बंदूक से लेकर मीटिंग कर रहे हैं, जुलूस में डांस भी कर रहे हैं। देश में आज एक बड़ा विमान हादसा होते होते टल गया। मामला बेंगलुरु से वाराणसी जाने वाले इंडिगो फ्लाइट का है। दरअसल इंडिगो फ्लाइट में कुछ तकनीकी समस्या आ गई थी, जिसके चलते उसे इमरजेंसी लैंडिंग पर आना पड़ा। इस फ्लाइट में 137 यात्री सवार थे, जिनकी जान जोखिम में पड़ गई थी। हालांकि पायलट की सूझबूझ से पायलट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और सभी यात्री सुरक्षित बच गए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर तारिक मंसूर ने मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से उन्हें उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य के तौर पर मनोनीत किया गया है। बता दें कि प्रोफेसर तारिक मंसूर ने अपना कार्यकाल खत्म होने से कुछ हफ्ते पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पाकिस्तान का राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। ऐतिहासिक महंगाई बीच वहां का आर्थिक संकट बद से बदतर होता जा रहा है। इस बीच वहां मुंह बाय जल संकट की भी आशंका है, जो वहां समाज में अशांति को बढ़ा सकता है। पाकिस्तान में जल वितरण से संबंधित मुख्य संस्था इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी के मुताबिक कई कारणों से आने वाले खरीफ सीजन में देश में 27 से लेकर 35% तक पानी की भारी कमी हो सकती है। G20 की अध्यक्षता मिलने के बाद भारत ने साफ कर दिया था कि किन बड़े मुद्दों पर उसका फोकस होगा। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान के मुताबिक महिला सशक्तिकरण, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्कुलर इकोनॉमी, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, फाइट अगेंस्ट इकोनॉमिक क्राइम, हेल्थ, एग्रीकल्चर, कल्चर, टूरिज्म, क्लाइमेट और क्लाइमेट फाइनेंसिंग और मल्टीलेटरल रिफॉर्म्स और जैसे मुद्दे पर चर्चा होंगी। इसमें भारत UNSC के रिफॉर्म को लेकर भी बातचीत करेगा, जिसे काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल विरोध को लेकर चल रहे आंदोलन में देर रात अचानक एक बड़ा घटनाक्रम हो चुका है। निजी डॉक्टर्स के एक डेलीगेशन और सरकार के बीच देर रात 2 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक वार्ता चली। इस वार्ता में कुछ बिंदुओं पर सरकार के साथ सहमति भी बन चुकी। एक समझौता पत्र तैयार होने की जानकारी भी सामने आ रही है। इस समझौता पत्र में अगर सूत्र सूचना की माने तो सरकारी अस्पताल, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वाले हॉस्पिटल और सरकार से सहायता मिलने वाले संस्थानों में RTS लागू किया जाएगा। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी SSC ने कम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2023 की ग्रुप सी और बी की भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सरकारी नौकरी तलाश रहे कैंडिडेट्स के लिए एक सुनहरा मौका है। कैंडिडेट्स SSC की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। CGL 2023 एग्जाम के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 3 मई है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दुष्कर्म पीड़ितों का चिकित्सीय परीक्षण करने में देरी को रोकने की सिफारिश की है।
मालीवाल ने अपनी सिफारिश में कहा है कि राजधानी में रोजाना करीब 6 रेप की घटनाएं हो रही हैं, इसलिए यौन पीड़िताओं के लिए सहायता प्रणालियों को तत्काल मजबूत किया जाना चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार भारत में सोमवार को कोविड संक्रमण के 3,641 मामले आए हैं। शनिवार को 3,824 नए मामले आए, जो लगभग 184 दिनों के दौरान एक दिन में सबसे बड़ी वृद्धि है। पिछले हफ्ते देश में 18,450 नए मामलों के साथ वृद्धि देखी गई थी, जो पिछले सप्ताह के 8,781 मामलों से काफी अधिक थी। ओमिक्रॉन वेरिएंट BB.1.16 को मामलों में अचानक वृद्धि का कारण माना जा रहा है। कानून की पढ़ाई करने वालों के लिए अच्छी खबर है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने लीगल रिसर्च में सुप्रीम कोर्ट के जजों की मदद के लिए लॉ इंटर्न की सेवा लेने के लिए नए दिशा निर्देशों को मंजूरी दे दी है। नई गाइडलाइन के तहत इन लॉ इंटर्न को हर महीने 80,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महावीर जयंती के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने एक ट्वीट में कहा है कि आज एक विशेष दिन है, जब हम भगवान महावीर की महान शिक्षाओं को याद करते। उन्होंने शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और समृद्ध समाज के निर्माण का रास्ता दिखाया है। उनसे प्रेरित होकर हम हमेशा दूसरों की सेवा करें और गरीबों और पिछड़ों के जीवन में सकारात्मकता लाएं। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया, उनके नाम है दक्ष झा, नुन्नू गोलू कुमार, अनवर करीम खान, बाबूलाल मरांडी, एमडी साकिर हुसैन, संजीव चौधरी, राजीव और नौशाद अंसारी। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, स्वास्थ्य का अधिकार हर किसी को मिले, इसके लिए सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जाने चाहिए। आप अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।